हेलो एवरीवन, यो वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सूर्यांश। दोस्तों, अगर आप लोग एक स्प्रे प्रिंट मशीन परचेज करना चाहते हैं एकदम बजट फ्रेंडली प्राइस पर, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये इंको की प्रिंट मशीन। और ये एक ऐसी प्रिंट मशीन होने वाली है जो मात्र 1600 रुपये में आपको मिल जाएगी, और उसके बाद आप अपने घर का दरवाजा हो, दीवार हो, तखत हो या मेज हो, हर आइटम को ईजिली पेंट कर पाएंगे, वो भी एकदम ग्लॉसी फिनिश के साथ। ये आपके बड़े से बड़े पेंट टास्क को चुटकियों में निपटा देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो की। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, उसके पहले मैं आपको ये मशीन खोल के दिखाऊं, मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं ये इंको का बॉक्स है, और ये होने वाली है 450 वाट की मशीन। इसके साथ ही इस पर और कुछ खास चीज़ें नहीं ऐड की गई हैं, जो चीज़ें आपको इस मशीन के अंदर मिलती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो हम सबसे पहले इस मशीन को खोल लेते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में ये मशीन कैसी है। इस मशीन में आपको ये एक बुक मिल जाता है देखने को, जो आगे मैं बताने वाला हूँ किस काम आता है। पर सबसे पहले हम लोग इस मशीन के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, मशीन आपको येलो कलर की देखने को मिलेगी, और इसके साथ इसमें आपको 800 ml का एक पेंट का टैंक मिल जाएगा जिसमें आप पेंट को फ्री कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको पीतल का नोजल मिलने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ मशीन के अंदर ये पीतल का नोजल नहीं मिलता, इससे रस्टिंग की प्रॉब्लम भी होती है और कई बार इसमें कचरा भी फंस जाता है। इसमें ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर प्लास्टिक रैप किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिससे कोई भी करंट लगने का प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि पेंट गीला होता है। ऐसे में अगर आप ये बटन डायरेक्ट टच में आएंगे तो करंट लग सकता है। पीछे आपको मोटर का जो वेंटिलेशन से हवा निकलती है, मोटर को कूल करने का काम करती है, वो आपको पीछे देखने को मिल जाएगा। कि जो ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी सॉफ्ट ग्रिप होने वाली है, मतलब आप जब इसको पकड़ेंगे तो आपको फील आने वाला है कि आपने एक अच्छी मशीन को ग्रिप करके रखा है। टैंक खोल के देखते हैं इसका। तो अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये प्लास्टिक की काफ़ी मजबूत क्वालिटी है। देखिए, इसको दबाने पर भी ये टूटेगा नहीं, मतलब ये लॉन्ग ड्यूरेबल होने वाला है मशीन जैसा। ये ब्लैक कलर का इसको पाइप देखने को मिल जाता है, जो डिटेचेबल होता है, आप इसको हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। जो इनकी पुरानी मशीन आती थी उसका ये पाइप थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, उसमें ये आपका जो सेक्शन यहाँ पर है ये इसमें ऐसे लगा रहता था, पर इसका ये सेक्शन दोस्तों हट जाता है और आपको एक फिल्टर देखने को मिलता है जो पेंट को निकालने का काम करता है और साफ रखने का काम करता है। इसको सेट करना बहुत ही आसान है, आप इस पर ईजिली रखिएगा और इसको जैसे ही मूव कराएंगे ये आपका इसमें सेट हो जाएगा। ट्रिगर देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं ट्रिगर, इस सब काफ़ी हार्ड प्लास्टिक और काफ़ी मजबूत होने वाला है। आप इसको हजारों बार आगे पीछे करेंगे, पर ये मैं सोच रहा था ये टूट जाएगा, ये सही से नहीं टूटने वाला। और यहाँ पर स्प्रे का कितना साइज आपको देखना है, कितना इसमें एक बार में निकालना है, वो चीज़ यहाँ पे सेट की जाएगी। जितना आप इसको ढीला करेंगे उतना कम पेंट बाहर निकल कर आएगा, और जितना आप इसको टाइट कर देंगे उतना ही इससे ज़्यादा पेंट निकल कर आएगा। पर आप देख सकते हैं इंको की ब्रांडिंग लिखी है 220 से 240 वोल्ट और 50 से 60 हर्ट्ज तक ये मशीन चलेगी। स्प्रे पेंट मशीन होने वाली है, 2023 का लेटेस्ट मॉडल है, और ओवरऑल अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल की ब्रांडिंग की गई है। ड्यूल कलर कॉम्बिनेशन के साथ आती है, डार्क येलो कलर है, काफ़ी देखने में बेहतरीन लगता है। और अगर इसको हम लोग बिना टैंक के स्टेबल करते हैं तो ये स्टेबल होने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर करती है, मतलब आप इसको बिना इस टैंक के लगाए खड़ा नहीं कर सकते। अब ये टैंक को हम लोग बंद कर देते हैं, और इसके अंदर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि ये जो आपका स्प्रे है, स्प्रे को आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मूव करा सकते हैं। यहाँ जैसे घुमाएंगे उसके बाद आप इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मूव करा लेंगे। ये काफ़ी अच्छी चीज़ इस मशीन में देखने को मिल रही है। ये थोड़ा सा अभी नई मशीन है, इसको पूरा घुमाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आप इजीली इसको कर पाएंगे, ये भी डिटेचेबल होने वाला है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जब आपको इसका फिल्टर साफ करना हो तो ये देखिए इसमें आपको पीतल का फिल्टर ब्रास सा देखने को मिल जाता है। अब हम लोग इसको सेट कर लेते हैं प्रॉपर, उसके बाद मैं पूरी टेस्टिंग भी दिखाने वाला हूँ। और ये है इसका वायर, जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली पूरी 2 मीटर होने वाली है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये मशीन एक ज़बरदस्त मशीन होने वाली है। इसके साथ ही आपको इसके बॉक्स में एक और पैकेट देखने को मिलता है, जिससे इसमें एक की भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसमें एक की देखने को मिल जाती है। इस की के माध्यम से आप जो इसके नोजल में गंदगी फंसती है उस गंदगी को आसानी से इस की के माध्यम से ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं, और इसके साथ उस पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। और ये मशीन जब टैंक इसमें लगा होता है तो आप इजीली इसको स्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा इस मशीन में आपको ये जरूर देखने को मिलती है, पर स्टार्टिंग में आपको इसका काम जरूर पड़ेगा,
क्योंकि इससे आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि ये कंसिस्टेंसी कितने पेंट की होने वाली है। मशीन को यूज करने के उसके बाद आपको इसका कोई भी काम पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए आप हम लोग इसकी एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं, और अभी हम लोग यहाँ पर पेंट फिल नहीं करेंगे। इसका हम लोग सबसे पहले स्प्रे चेक करने वाले हैं, इसमें पानी डालकर कि इसका पानी का स्प्रे कितना होने वाला है। यहाँ पर हम अपने इस मशीन के अंदर पानी को फिल कर लिया है। आप इसको कर लेते हैं यहाँ पर लॉक। लॉक करने के बाद हम लोग इसको कनेक्ट करने वाले हैं अपने स्विच के साथ। अब हमारा स्विच के साथ कनेक्ट हो गया है, आप देखिएगा। तो दोस्तों ये था इस मशीन का पूरा रिव्यू। अब अगर आप इस मशीन को परचेज करना चाहते हैं तो आप जरूर इसको परचेज करिएगा। अगर आप अपने घर पर थोड़ा बहुत पेंट वर्क करना चाहते हैं, या दरवाजों में पेंट या दीवार में पेंट करना चाहते हैं, और आप कोई लेबर या कोई प्रोफेशनल्स नहीं हायर करना चाहते, देन डेफिनेटली आप इस मशीन की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि ये मशीन एक ऐसा यूजफुल टूल्स है जो मात्र 1600 रुपये में आपको मिल जाता है और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का काम करता है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक या शेयर करना मत भूलिएगा।